कमरा किराया, कोचिंग वाला मामला हो, तो उनपे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना पड़ेगा। जो तमाम भर्तियां जो आरपीएस अधीनस्थ बोर्ड की है, जैसे कृषि परीक्षा है, प्रयोगशाला सहायक है, महिला सुपरवाइजर, आरएस वर्जी कोर्ट में, वो सारी चीजें मैंने नोट करवा दी। उससे पहले भी माननीय जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव आरती मैडम जी और ललित कुमार जी खुद एडवोकेट जनरल से मिलकर आए थे कि इन भर्तियों का निस्तारण कर, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोर्ट बंद हो गया, सुनवाई नहीं हो पा रही थी, इस कारण से देरी हुई। अभी भी निवेदन किया है कि इन मामलों में अर्जेंट एप्लीकेशन लगाकर इनका निस्तारण करवाया जाए, क्योंकि बेरोजगार परेशान है। कहीं टिड्डी प्रकोप है, कहीं आरएस वाले जो हमारे प्रदेश के स्तंभ माने जाते हैं, जो अधिकारी है, जो आरएस है, भविष्य है, उनको भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, उनकी प्रक्रिया पूरी की जाए। तो उस संबंध में तमाम मैंने भर्तियों के बारे में जो कोर्ट से संबंधित भर्तियों की मैंने उनको दी कि हमसे इसमें आप लोग एक्टिव एप्लीकेशन लगाकर जल्द से जल्द सुनवाई करवाए। जैसे माननीय लालचंद कटारे जी, कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमने निवेदन किया उनसे, निवेदन किया साहब टिड्डी प्रकोप भी है, कृषि प्रेक्षक में मामला, तो उन्होंने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि जी को लगाकर और उन्होंने सुनवाई करवाई, और जब भी सुनवाई होगी तो जो प्रश्नों के विवाद से स्टे है वो हट जाएगा कृषि प्रेक्षक। लेकिन एसटीएफ वाला मामला है, उस संबंध में भी उन्होंने कहा कि मेरे पास मामला है तो मैं मजबूती से पेरिव करके आपका स्टेट आएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द